देखिए लॉक का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी अभी सम ऑफ 21 टर्म ऑफ द सीरीज, यानी 21 सीरीज 21 टर्म का समेशन बताना है। और ध्यान दीजिए कि इसमें बेस में पावर जो है वो अपॉन में है, ऐसा क्वेश्चन है। अब एक चीज याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, लॉग एम पावर एन होता है, एन लॉग एम, ये तो हम हमेशा यूज करते हैं। पर अगर बेस में भी पावर है तो वो वन अपॉन में जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान दें तो इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में लॉग बेस 9x कॉमन हो गया, तो ये 1/2 अपॉन में जाएगी, 1/2 तो क्या हो जाएगी 2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लॉग बेस 9x, बोलो इसमें मिलेगा 2, फिर 3, फिर 4, अब 2, 21 टर्म दिए तो 2 से स्टार्ट हो रहा तो 22 तक मिलेगा, एंड दिस इज 252। ये पहले क्लियर है बात, क्या करा, एक एक टर्म को अलग से समझ लीजिए, 9 की पावर 1/2x, इसका मतलब है ये 1/1/2 लॉग बेस 9x, ये 2 ऊपर चला गया, ये आ गया, तो लॉग बेस 9x कॉमन लिया। और 21 टर्म है, पहला टर्म 2 से स्टार्ट है, 1 से होता तो 21 पे एंड होता, तो ये टोटल 22 टर्म है। अब आपको समीशन सीरीज का फॉर्मूला पता है, n/2a+l भी लगा सकते हैं, तो सीधा सीधा लॉग बेस 9x इंटू एन, एन है नंबर ऑफ टर्म, बाय 2 21, और ए प्लस एल मतलब 2 प्लस 22, दिस इक्वल टू 252। तो लॉग बेस 9x इंटू ये बेटा 21, 24 इंटू 2 12 डिवाइड हो जाएगा 252, ये भी 252 है, तो आपको मिल गया लॉग बेस 9x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 9, तो करेक्ट आंसर हुआ 9। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलते हैं, अगर लॉग या बेसिक चीजें क्लियर होती है, बेसिक मैथ जिनका स्ट्रांग होता है वो बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट करिए।